किस तरह से यहाँ पे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता है और उच्च अधिकारी यहाँ पे सांसद रवि किशन अधिवक्ताओं ने घेर लिया है। सांसद रवि किशन महोदय से हम बात करेंगे, देख सकते हैं अधिवक्ताओं ने किस तरह से अधिवक्ता यहाँ पे सदर सांसद रवि किशन को घेर के नारेबाजी कर रहे हैं। ऑफिस के नवनिर्माण के लिए कलेक्ट्रेट के बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है और वहाँ पे बैठने वाले अधिवक्ताओं की मांग है कि हमें उजारा न जाए, हमें बैठने की उचित व्यवस्था मुहैया कराया जाए, लेकिन जिलाधिकारी ने इससे सहमति जताने से इंकार कर दिया। उसके बाद देखा जाए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं और कलेक्ट्रेट के अधिवक्तागण यहाँ पे मौजूद है और इनकी मांग है हम लोग अभी मुख्यमंत्री से रखेंगे। फोर्स मौजूद है मुख्यमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री के जिले के अधिवक्ता यहाँ पे रोक पे उतरे हुए। क्या मामला है पहले अध्यक्ष जी क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप लोग? पूरा कलेक्ट्रेट जिला अधिवक्ता एसोसिएशन का तोड़ा जा रहा है। आनंद फैशन अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225633। अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान नहीं दिए जा रहे हैं, पहले 13 मंजिल के लिए। देखिए एक संग बात करते हैं, थोड़ा किनारे एक सेकंड। मेरी मांग है कि जो कलेक्ट्रेट कोर्ट बन रही है उसमें अधिवक्ताओं के सेट दिया जाए। अधिवक्ता जहां बैठते हैं उनको बिना अधिवक्ताओं के किसी भी अदालत के परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम चाहते हैं निर्माण हो, विकास हो, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि अधिवक्ता उजाड़ दिए जाए। अधिवक्ता भी रहें, अधिवक्ताओं के क्रियाकलाप संपादित हो, जैसे चल रहे थे वैसे चले। ठीक बात, आप लोग जिला अधिकारी से मिले? नहीं, हम लोग जिला अधिकारी से भी नहीं मिले। हम लोगों की मांग यह है कि पुराना कलेक्ट्रेट भवन जो है, जो डिमालिश हुआ है, उसमें केवल 7 कोर्ट चलते थे, वो जगह पर्याप्त है। उस 7 कोर्ट बनाने के लिए, संचालित करने के लिए हमारे परिसर में बैठने वाले किसी भी अधिवक्ता के सेट को न हटाया जाए। एक पिलर नहीं है, हटना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है सड़क पर उतर करके जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। हम लोग जो है जहाँ पर है हम लोग को भी स्थापित न किया जाए। क्या कहना है? मेरा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक हैं, इस दोपहर में हमको उजाला जा रहा है सीट वेब में, अब बिना अधिवक्ताओं के कोई न्यायालय की बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एडवोकेट साहब के ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अधिवक्ताओं के बैठे कोई भी होता है इस सीट वेब में आप उजाड़ रहे हैं, यही मानवता है। आप लोग यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री, दूसरा सारे विभाग एक जगह ला रहे हैं, या प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत ही गलत है। आप आईबी राज से रिपोर्ट ले सकते हैं। आज मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ, हम लोग मिलेंगे, मिलना है। जो नक्शा पास करा गया था, मेरे बार को कोई सूचना नहीं दिया गया था, हम लोगों को वहाँ बुलाया गया था। मनमाने तौर पर प्रशासन ने जो है इस तरह का जो है नक्शा बना करके हम लोगों को हटाया जा रहा है अधिवक्ताओं का। अगर अधिवक्ता नहीं रहेंगे तो अदालत क्या रहेगा? इसीलिए मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचावे कि हम लोगों को अधिवक्ता देखते हुए कलेक्ट्रेट का अधिवक्ता जो है और रोड पे उतरे हुए हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ आगमन हो रहा है। इनका साफ कहना है कि जिला अधिवक्ताओं को जो है भी दोपहरी में मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक है और उजाला जा रहा है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पे लगा हुआ है और एक कलेक्ट्रेट का अधिवक्ता रोड पे मौजूद है मुख्यमंत्री के सहारे। इनकी मांग है कि यहाँ से नौकरशाह जो है वो मनमानी कर रहे, बीत दोपहरी में इनका टीन सेट उजाड़ा जा रहा है। हमारी उचित व्यवस्था कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने हाथ खड़े कर लिए है, जिसको देखते हुए यहाँ पे अधिवक्तागण रोड पे उतर गए हैं और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आने वाले हैं और अपने कार्यक्रम में सबको संबोधित करेंगे और उसी बीच कलेक्ट्रेट के अधिवक्तागण रोड पे उतर गए हैं। इनका साफ कहना है कि बिना मुख्यमंत्री से बात किए हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। सही बात है, नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसे यही रहेंगे जी। हम लोग मुख्यमंत्री को यह बताना चाहते हैं किसी भी अधिवक्ता को कलेक्ट्रेट कोर्ट से स्थापित न किया जाए, हमको बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए। मेरा यही संदेश मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए।
कब तक आप लोग यहाँ रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब कलेक्ट्रेट में शिलान्यास करने के लिए आए हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने मुखारविंद से कहे थे कि इस भव्य 13 मंजिला बिल्डिंग में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 100 चेंबर बनाए जाएंगे, लेकिन वर्तमान डीएम महोदय उस मानचित्र को संशोधित करते हुए वर्तमान जो मानचित्र पास किया है उसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कोई चेंबर की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा ये अधिवक्ता मजबूरी में सड़क पर उतरने को मजबूर है। और जो अधिवक्ता देख सकते हैं किस तरह से अधिवक्ता रोड पे हैं, और जो अभी बने हुए शेड हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, हमको भी स्थापित किया जा रहा है, हम लोग को हटाया जा रहा है, चेतावनी दे दी गई है, आप लोग अगर कहीं और भी लगाएंगे तो रातों रात उठा के फेंक दिया जाएगा। चेतावनी भी दी गई है, चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोग कहीं और ले जाते हैं तो आपको धमकी दी जा रही है। धमकी दिया है एडीएम प्रशासन लोग दे रहे हैं, कौन धमकी दिया? सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है, सिटी मजिस्ट्रेट से ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता है और उच्च अधिकारी यहाँ पे सांसद रवि किशन अधिवक्ताओं ने घेर लिया है। सांसद रवि किशन महोदय से हम बात करेंगे, देख सकते हैं अधिवक्ताओं ने किस तरह से अधिवक्ता यहाँ पे सदर सांसद रवि किशन को घेर के नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पे कार्यक्रम लगने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर के अधिवक्ता जो है रोड पे, हमका साफ कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, हमारे बैठने की उचित व्यवस्था नहीं करवा देंगे, तब तक हम लोग अपनी बात मानेंगे नहीं, बात करने का प्रयास करेंगे, सांसद जी से बात करने का प्रयास करेंगे। सांसद